हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको नए तरीके से मटन बनाना सिखाऊंगी, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको मटन बनाने के लिए सिखा रही हूँ। देखिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये मटन के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है। पहले कटा हुआ प्याज ले लूँगी, पहले कटा हुआ प्याज और गुलकी, खड़ा गरम मसाला, इलायची, दो लाल मिर्च और लहसुन। अगर आपको अगर एक डालना तो एक डालिए, दो डालना तो दो, तेज पत्ता। और ये 500 ग्राम मटन है, बस दो लोगों या तीन लोग इससे खा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मसाला के लिए इंग्रेडिएंट्स लिया है लहसुन, और ये मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ। मसाले के इंग्रेडिएंट्स हो गया प्याज, लहसुन, तेज पत्ता, काली मिर्च, जीरा और लाल मिर्च स्वाद अनुसार और गरम मसाला। और ये मैं तेल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा बटर भी डाल दी हूँ। इसमें डाली हूँ पहले जीरा, फिर उसके बाद तेज पत्ता डालूँगी, और जो मैंने खड़ा गरम मसाला लिया था, जो इलायची था, गुलकी था और गरम मसाला था। और फिर उसके बाद प्याज डाल दूंगी और जो लहसुन मैं एक ली हूँ वो डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा रेड होने तक भूनूंगी, जब तक ये रेड ना हो जाए। और ये जो मैंने मटन लिया था धो के, इसको अच्छे से वाश करके रखा था, इसको मैं ऐड करूँगी और अच्छे से इसको रेड होने तक भूनूंगी। तो ये देखिए, हमारा मटन अभी भुन रहा है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए, जितना आपको ऐड करना है अपने स्वाद अनुसार। कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। और ये हमारा मसाला जो मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाला था वो मैं पीस के निकाल ली हूँ। इसमें मैंने एवरेस्ट का मीट मसाला डाला है और गर्म मसाला एवरेस्ट का ही डाला है, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहे तो जो भी मीट मसाला ले सकते हैं। और ये तीखा लाल रेड चिल्ली पाउडर ऐड की हूँ। और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। एक टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपको टमाटर पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो नहीं डालें, इससे स्वाद अच्छा आता है, इसलिए मैं टमाटर ऐड की हूँ। और ये मसाला मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। इसको 5-10 मिनट के लिए कम आँच पे भूनूंगी। ये जो मेरा गरम मसाला और मीट मसाला था उसको निकाल के डाली हूँ। देखिए, थोड़ा सा ये भुना है, इसमें जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक हमारी अच्छी हमारा मटन पका नहीं है अभी। तो ये देखिए, इस तरह का कलर आ जाएगा। ये देखिए, हमारा मटन तेल छोड़ दिया है, हल्का इसमें पानी भी ऐड की थी, बीच बीच में देखते रहे हैं। हमारा देखिए कलर भी अच्छा आ गया, और हमारा मटन जो है जो बन के रेडी हो गया। और इसको मैंने कुकर को बंद करके इसमें 2 सीटी लगाए थे, क्योंकि अच्छे से ये नहीं पका था, देखा था मैंने चेक करके। ये देखिए, कलर इस टाइप का आ जाएगा आपका जब पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया, और खाने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।